दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। सुबह तारीख़ है आज 28 सितंबर और रात का वक्त है। मौजूद हूँ अपने रेस्टोरेंट में और इंशाल्लाह अभी बाहर जाऊँगा और नराम बाज़ार की जो मनाजर हैं, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, तो वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाएं। सुबह बाज़ार से होते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल नराम बाज़ार की कुछ इस तरह भी रात के वक्त थोड़े बहुत जो टूरिस्ट हैं आए हुए हैं देखने को मिल रहे हैं। और वेदर जो है ना, क्या बताऊँ फ्रेंड्स आपको, सर्दी इतनी ज़्यादा है ना, शदीद सर्दी हो चुकी है। आज दिन के वक्त जो है बारिश हुई थी 5-10 मिनट और ठंडी हवा चल रही है, लेकिन सर्दी में मज़ीद इजाफा हो चुका है। इस तरफ देख सकते हैं आप, ये है बट टिक्का कढ़ाई, अंदर रौनक लगी हुई हैं, लोग खाना खा रहे हैं। और इस तरफ ये जामिया मस्जिद के पास से अभी हम गुजर रहे हैं। मेरे साथ है उमेर। उमेर, हम कहाँ जा रहे हैं? नीचे वीडियो में, वीडियो गेम में, ले लैंड जो है नरान का, तो वहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ पर उमेर के एक दोस्त है, क्लब भी है स्नूकर, तो खेलना तो नहीं आता, अलबत्त यह है कि प्रैक्टिस करेंगे, तो आज से ये स्टार्ट करेंगे। इस तरफ है फेरी मेडोज होटल, तभी आपको नीचे प्ले लैंड पर मिलते हैं। अभी प्ले लैंड पे आए थे, लेकिन यहाँ पर हो चुकी है क्लोजिंग आज। आज बहुत जल्दी क्लोजिंग हो चुकी है प्ले लैंड की। सोचा था आज स्नूकर खेलेंगे, तो अभी चलते हैं नीचे की तरफ, नराम बाज़ार के ग्राउंड लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरफ अभी हम पहुँच चुके हैं, सामने जो है पुलिस पोस्ट नारान है और इस तरफ यहाँ पर शॉल की शॉप है। तो मनाजर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, तकरीबन 2-3 दिन हो गए कि सर्दी में काफ़ी इजाफा हो चुका है। हल्की हल्की बारिश होती है तो हवा होती है, तो उसके साथ इस तरह की अभी सर्दी बनी हुई है। जैसे बर्फ़ पड़ती है तो मौसम ठंडा होता है, तो उस किस्म की सर्दी है। पंजाब टिक्का हाउस और साथ ही इस तरफ ये मनाजर हैं। तकरीबन मेरा काफ़ी टाइम बाद रात के वक्त जो है नराम बाज़ार के चक्कर लगे, बल्कि दिन के वक्त भी नहीं लगा, तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हुआ कि बाज़ार का चक्कर नहीं लगा मेरा नराम का। तो इस तरफ के मनाजर देख सकते हैं, शॉप वगैरह ओपन है, होटल भी ओपन है, जिसमें से चंद होटल और शॉप वगैरह बंद हो चुकी हैं, बाकी तमाम तर होटल शॉप्स रेस्टोरेंट ओपन है, आप आ सकते हैं। रूम रेंट भी मुनासिब है, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया। और मैं कहता हूं कि अगर आपने नरान आना है तो यही दिन है आज कल आने के, क्योंकि आगे जो है अगर मज़ीद स्नोफॉल होती है तो हो सकते हैं रास्ते वगैरह बंद भी हो सकते हैं, वापसी कर लें यहाँ से। उमेर, तो नीचे की तरफ बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, एक गाड़ी खड़ी है और अभी यहाँ से करते हैं वापसी। अभी मैं वापस आ चुका हूँ अपने रेस्टोरेंट में और सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है नरान में, तो उस वजह से मैंने कहा चाय पी लूँ थोड़ी सी। तो फ्रेंड, ये था आज का ब्लॉग, काफ़ी टाइम बाद नराम बाज़ार का चक्कर लगा और पीछे दोस्त वगैरह देख सकते हैं रेस्टोरेंट में। तो ये कि रेस्टोरेंट हमारा 24 घंटे ओपन होता है, सैफुल्ला आ गए, तो रात के वक्त अगर आप आते हैं तो आपको सैफुल्ला भाई रेस्टोरेंट में मिलेंगे, सजाद उस्ताद और फजल भाई। तो फ्रेंड, ये था ये थे आज के ताज़ा तरीन मनाजर नराम बाज़ार के, जो मैंने आपके साथ किए। तो अगर आप आना चाहते हैं आएँ, यही दिन है आने के, मौसम यह है कि बड़ा ठंडा है, तो जैकेट वगैरह ज़रूर लेकर आएँ। और स्नोफॉल के भी चांसेस हैं, पहाड़ों पर तो हुई है स्नोफॉल, जो नरान के बाबू से टॉप पर भी हुई है, तो आगे भी मज़ीद चांसेस हैं बर्फ़बारी के। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में,
तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।